खबर है वाराणसी से। वाराणसी रोनिया थाना अंतर्गत आज हमारे एक्सप्रेस हिल्स की टीम मुरादेव घाट पर पहुंची। वहां का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों से बात करने के बाद पता चला कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार बाढ़ कुछ कम है। हालांकि पानी का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। साथ में पुलिस महकमा के सीओ सदर तथा रोहनिया थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा हमराही कांस्टेबल द्वारा बाढ़ का जायजा लिया गया। दंगा में तेज बढ़ाव के कारण रोनिया क्षेत्र के बेटावर मुरादेव व करसड़ा गांव में तेजी से बाढ़ का पानी बढ़ने से गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से गिर गया है। आलम यह है कि घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। बेटावर प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा के तटीय इलाकों में सैकड़ों एकड़ फसल बाजरा धान सब्जी इत्यादि बाढ़ के पानी में डूबने से बर्बाद हो गए। बाढ़ का पानी सड़कों पर भी आ गया है। बच्चों से भरा स्कूल बस व ग्रामीण पानी से होकर गुजरने को विवश हैं। साथ ही मवेशियों को सड़क पर बांधने को लोग मजबूर हैं। रात भर ग्रामीण सो नहीं पा रहे। क्षेत्राधिकारी सदर विदूर सक्सेना व प्रभारी निरीक्षक रोनिया विमल कुमार मिश्रा सहित चौकी प्रभारी अखरी धीरेन्द्र कुमार मौजूद रहे। वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट। बाढ़ की स्थिति क्या है यहाँ पे, क्या इस समय क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या बनी? बाढ़ की स्थिति लगभग खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। किसानों का फसल नुकसान हो रहा है। अभी तो मकान वकान कोई क्षतिग्रस्त नहीं है, लेकिन किसानों को बहुत जबरदस्त नुकसान है फसल सब्जी। अगले साल की अपेक्षा इस साल बाढ़ ज़्यादा है या कम है? अगले साल की अपेक्षा 2013 से कब डेढ़ फुट पानी कम हुई है। और आगे गंगा माँ क्या करेगी? अब तो कुछ सरकारी मुहैया सुविधा खाने पीने की? अभी तो कोई सरकारी मुहैया कुछ नहीं मिल रहा है। आप कुछ बता सकते हैं ये बड़े बड़े क्या जो गंगा माँ है वह हम लोग को किसान है। और किसान जो है कि भाई हमारा धान फसल है वो हो जाएगा, क्योंकि हमें निषाद जो है प्रधान जी सहमत है कि जो प्रधान जी करें हम भी करें। भैया आप कुछ बताइए बाढ़ के बारे में। जितना ज़्यादा प्रधान जी बता पाएंगे हम लोग तो कभी कभी आते हैं देखने के लिए। कुछ बाढ़ के बारे में बता सकते हैं आप? क्या बताएं, हम तो जैसे आ पाए से हम भी आए हैं। भैया आप कुछ बताइए बाढ़ के नुकसान हमारा। आप कुछ बताइए। हम तो यही कहेंगे कि बाढ़ बहुत ऊंचाइयों से मतलब अब हद से ऊपर जा रही है। अब इससे ऊपर बढ़ेगी तो खतरा अधिक से अधिक बढ़ेगा। और हमारे जो जनता जनार्दन है अपने सही जगह पे सब सेट हैं, और हमारे जो सरकारी कर्मचारी सब लोग अपने जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आजाद खान, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। आज हम यहाँ पे मुराडीह घाट की तरफ आए हैं, कुछ भाइयों से बात किए हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगले साल की अपेक्षा इस साल जो है कि कुछ कम है बाढ़ की स्थिति, बस खतरे के निशान पे है।